विश्वविद्यालय के पेपर लीक का मामला अब एसटीएफ के हाथों में आ गया है। आपको बताते चलें कि दो पेपर पहले ही लीक हो चुके हैं, जिनमें से पहला पेपर गणित और समाजशास्त्र की परीक्षा का निलंबित हो गया, जिसके वजह से हजारों की संख्या में विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों से वापस लौटना पड़ा। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण को एसटीएफ को सौंप दिया। इस बारे में कुलपति ने कहा है कि जो परीक्षाएं निरस्त हुई थीं, वो आगामी 1 मई को समाजशास्त्र की और 4 मई को गणित की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय के पीआरओ प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा ने बताया, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की BA/BSc प्रथम वर्ष गणित प्रथम प्रश्न पत्र के लीक होने के प्रकरण में अब जांच एसटीएफ करेगी। आज विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुरोध पर शासन ने यह जांच विशेष एजेंसी को सौंप दी, जिसने अपना काम शुरू कर दिया है। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि जो स्थगित परीक्षाएं थीं, जो सोमवार को 2 पालियों में परीक्षाएं होनी थी और जो लीक प्रकरण के अंदेशे में स्थगित कर दी गई थी, उसके लिए भी आज विशेष समिति ने, परीक्षा समिति ने नई तारीखों की घोषणा कर दी है। समाजशास्त्र की परीक्षा जो BA द्वितीय वर्ष की होनी थी, वो अब 1 मई को सायं सत्र में होगी, और जो गणित का पर्चा जो स्थगित किया गया था लीक होने के चलते, वो अब 4 मई को सुबह की पाली में होगी। इसके अलावा आज विश्वविद्यालय द्वारा गठित आंतरिक जांच समिति ने भी जो केंद्रों से मंगाए गए पैकेट हैं, उसका बहुत बारीकी से निरीक्षण किया, और कुलपति के निर्देश पर इस विशेष जांच समिति ने अपनी जांच को एसटीएफ के साथ कोऑर्डिनेट किया है। अब आने वाले समय में दोनों एजेंसीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। देखिए, जो पिछले दो जो ऐसे प्रसंग हैं जो वायरल हुए थे, जैसे मंगलवार को सोशियोलॉजी का पर्चा, ये बताया गया कि ये भी सोमवार को ही सोशियोलॉजी का पर्चा बताया गया कि वायरल हो गया, हालांकि वो जांच में पाया गया कि वो पुराने वर्ष का पर्चा था, वो इस वर्ष का पर्चा नहीं था। आज दोपहर में 11:30 बजे के करीब कुछ समाचार माध्यमों में एक और हैंड रिटन पर्चा ये कह के प्रचारित किया गया कि आज दोपहर जो परीक्षा होने वाली है BCom की, BCom प्रथम वर्ष की, ये उसका पर्चा है। लड़कों का एक समूह परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में भी पहुंचा और उसने मांग की, उसने बल्कि आरोप लगाया कि शहर के एक कॉलेज से ये लीक हो रहा है, और जब जैसे ही उस कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाया गया, वो लड़के वहां से निकल गए। तो कुल मिला के ऐसी घटनाओं से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक इस तरीके की भी कोशिश है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को भी प्रभावित करने की कोशिश की जाए, या छात्रों और अभिभावकों में अफरा तफरी पैदा करने की भी कोशिश की जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले भी ये बात स्पष्ट की है कि संदेह के वातावरण में परीक्षा कराने की बजाय वो स्थगित करना ज़्यादा उचित समझता है, और इसी आधार पर 2 पर्चे स्थगित किए गए थे। उम्मीद ये की जाती है कि आने वाले 1 से 2 दिन में ये जाँच किसी नतीजे तक पहुँच जाएगी।